नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक का जो फर्स्ट डे था वहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं किया। निफ्टी ऑलमोस्ट 17,350 के आसपास आ गया था और बैंक निफ्टी लास्ट वीक के सेकेंड डे पे ऑलमोस्ट 36,500 के आसपास आ गया था। अभी लास्ट वीक का जो फर्स्ट और सेकेंड डे था वो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आने वाले वीक में मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या तो फिर करेक्शन आ सकता है, बट मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा सरप्राइज दिया। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में ऑलमोस्ट निफ्टी ने 600 पॉइंट का रैली कर लिया और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का। अभी आप ये देखो तो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में बहुत सारी स्ट्रेंथ हम लोगों को दिख रही है पर कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए, और स्टिल मुझे यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ही अभी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का जो अपर साइड का रेजिस्टेंस है वो 18,200 रहेगा और जो लोअर साइड का सपोर्ट है वो 17,650 और 17,450। अभी बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख रहा हूँ कि ये वीक में जो हमारा हाई था वो था समवेयर अराउंड 38,150 और उसके लास्ट वीक में भी जो हमारा हाई था वो 38,150-200 के आसपास ही था। तो मुझे ये तो बहुत क्लियरली हो गया है कि अभी आने वाले वीक में मेरे लिए 38,150 का जो रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 37,500 एंड 37,150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी भी मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन में चल रहा है। ऑब्वियसली मुझे निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मुझे ज़्यादा निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा होता है तो शायद आने वाले एक आध या दो महीने में हम लोगों को 42,000 या 43,000 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई आपके जो भी ट्रेड्स है वो ये बेसिस पे आप समझ के लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। अभी जनरली मैंने आप लोगों के साथ कभी भी ये वाले वीडियोस में विक्स के बारे में आप लोगों को कभी भी ज़्यादा बताया नहीं है, बट हाँ मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताऊंगा कि विक्स अभी समवेयर अराउंड 16-17 के आसपास चल रहा है, जिसे हम लोग इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। पर अगर ये इंडेक्स का जो लेवल है वो 20s के ऊपर जाएगा तो हम लोगों को मार्केट में बहुत अच्छी खासी वॉलीटिलिटी देखने मिल सकती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि आने वाले टाइम में आपकी जो भी पोजीशंस है वो विक्स को ध्यान रख के ज़रूर बनाइए। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए इंडेक्स का एनालिसिस कि भाई आने वाले वीक में मुझे इंडेक्स में क्या लग रहा है, और आज मैंने आप लोगों को विक्स के बारे में भी थोड़ी सी एक जनरल आइडिया दे दी। देखो ऐसा है ना कि मार्केट में हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स को देख के हमारी पोजीशंस को बढ़ानी या घटानी चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में वॉलीटिलिटी बढ़ने वाली है या आने वाले टाइम में वॉलीटिलिटी बढ़ने वाली है, तो मेरे जैसा एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस को बहुत ध्यान से क्रिएट करेगा और अगर जो पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में है वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का जरूर देखूंगा। तो यही सिर्फ आप लोगों को एक जनरल आइडिया देना था इंडिया विक्स के बारे में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे दो स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो मुझे उनका ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अभी देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्रेकआउट होते हैं। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि चार्ट में सिर्फ प्राइस वाइज ही अच्छा ब्रेकआउट होता है, मतलब उसने स्ट्रॉन्ग फुली प्राइस वाइज ब्रेकआउट दिया है, और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने ब्रेकआउट तो बहुत छोटा दिया है पर वॉल्यूम अच्छा रहता है। और जो आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ऐसे ब्रेकआउट्स बहुत रेयर होते हैं जहाँ पे प्राइस का जो कैंडल है वो भी बहुत बड़ा होता है और साइड बाय साइड वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज होता है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बोलता हूँ, बिकॉज जहाँ पे हम लोगों को प्राइस भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है और वो क्लियरली दिख भी रहा है और वॉल्यूम भी हम लोगों को दिख रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से और ही ज़्यादा क्रिएट होते जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि ये दोनों स्टॉक कौन से है। तो आज के वीडियो में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है शैले होटल्स। अभी ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरा दो ही एक सिंपल रीजन है कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये स्टॉक ने प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक में जो लास्ट वीक का जो एकदम कैंडल बना है वो बहुत स्ट्रांग है प्राइस वाइज, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम वाइज भी ये स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। अभी आप लोगों को मैं जूम आउट करके यहाँ पे चार्ट थोड़ा और क्लियरली समझाता हूँ।
अभी आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक में जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2009 से, तब से यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। यहाँ पे ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और अनलकीली यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये वाला जो स्टार्ट था फॉल का, ये हमारा फरवरी मार्च मंथ का जो फॉल था, जब ही हमारा कोविड का स्टार्ट हो रहा था इंडिया में और ओवरऑल वर्ल्ड में भी, उसके बाद हम लोग ने देखा कि स्टॉक ऑलमोस्ट 377 से ऑलमोस्ट 120-100 रुपीज तक आ गया था। अभी हम लोग जनरली देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री में जितने भी बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक है, जैसे आप लोग आईटी बोल लो या बहुत सारे बैंकिंग वाले स्टॉक बोलो या फिर बहुत सारे सीमेंट वाले स्टॉक बोलो, सब लोगों ने अपना जो मार्च वाला जो हाई था, जो कोविड वाला हाई था, वो ब्रेक कर दिया है। पर अभी तक बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिन्होंने अपना कोविड वाला हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है। उसमें से ही एक इंडस्ट्री जो है वो यही है, हॉस्पिटैलिटी वाली। अभी यहाँ पे मुझे ये स्टॉक सिलेक्ट करने का जो पीछे का रीजन था वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्राइस वाइज भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम वाइज भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। पर आप अभी भी बोलोगे कि विजय जी अभी भी ये इंडस्ट्री में कुछ खास ऐसा ग्रोथ जैसा दिख नहीं रहा है, तो आप कैसे ये स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो? तो मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि मैं हमेशा प्राइस को फॉलो करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मार्केट में आने वाले टाइम में होने वाला है वो प्राइस आपको सबसे पहले बता देगा। तो शायद आने वाले टाइम में ये स्टॉक में भी कुछ अच्छा होने वाला है जिसका मोमेंटम अभी से स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक को 2020 अप्रैल मंथ से एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक ने अटेम्प्ट किया दिसंबर मंथ में पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि वापस से ये स्टॉक को जून मंथ में अटेम्प्ट हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, और फाइनली यहाँ पे जो अभी हमारा ब्रेकआउट हुआ है वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है। अभी ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 201 रुपीज का था, और अगर ये स्टॉक वापस से 158 या 160 लेवल ब्रेक करेगा, जो ये वाला लेवल है, तो ये हमारे लिए वीक हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी ये स्टॉक में दिखेगा, जो बहुत ही क्लियरली दिखा रहा है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। अभी बात रही ये स्टॉक की अपसाइड की, अभी आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि जो भाई हमारा पहला अपसाइड लेवल है वो समवेयर अराउंड 350 है, 360, और अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा, मतलब इसके ऊपर ये स्टॉक चला जाएगा, तो आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छे लेवल्स भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये स्टॉक ने 200 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट किया है, अभी 216 चल रहा है। अगर ये 160 के नीचे चला गया तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा, और अपसाइड में अगर ये 350 360 लेवल भी आपको दिखा सकता है, और अपसाइड में इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल है वो 360 का है, तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। अभी आज के लिस्ट में जो हमारा सेकेंड स्टॉक है उसका नाम है गुजरात अल्कामाइंस केमिकल लिमिटेड। अभी ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे भी मेरा बहुत सिंपल रीजन है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट वीक प्राइस वाइज ये स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम आया, और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये स्टॉक में अगर वॉल्यूम की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक में 2021 अप्रैल मंथ से ही वॉल्यूम का एक अच्छा बेस बनने लग गया था। अभी देखो जनरली मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी चीज है, और एक चीज भी ये होती है कि वॉल्यूम बेस बनने के बाद भी ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज होती है। मतलब ऐसा है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है जो ये स्टॉक को कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक के जो लाइफ टाइम हाई थे वो समवेयर अराउंड 930 के आसपास थे, उसके बाद हम लोग ने देखा कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था और 184 तक के इसने लोअर लेवल बना दिए थे। अभी फाइनली यहाँ पे ये स्टॉक को रेजिस्टेंस था विच इज 561, यहाँ पे ये स्टॉक ने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का, फिर अच्छा खासा स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम टाइप का बताया और फाइनली हम लोगों को ये लेवल्स पे इसका ब्रेकआउट देखने मिला है। अभी ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो समवेयर अराउंड 561 के आसपास हुआ है। अगर ये स्टॉक ने वापस से 420-430 लेवल ब्रेक कर दिया, जो ये स्विंग लो है, तो ये हमारे लिए वीक हो जाएगा, और ये स्टॉक में जो अपसाइड मेरी एक्सपेक्टेशन है वो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है 800, और 800 के ऊपर ये स्टॉक हम लोगों को समवेयर अराउंड 940 के लेवल भी दिखा सकता है। अगर आप लोग ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ये स्टॉक को 940 लेवल के लिए परचेस करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 430-440। ये स्टॉक ने 560 पे ब्रेकआउट दिया है और अभी इसका प्राइस चल रहा है 604। तो आप लोग ये सारे लेवल्स को ध्यान रखिए। आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कभी कभी किसी लास्ट वीडियो के स्टॉक के रिलेटेड या पीछे वाले वीडियोस के रिलेटेड, तो आप लोग कभी भी वो वीडियोस में हमारे जो स्टॉक्स के लेवल्स है अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नोट करके रखिए। मैं हर स्टॉक्स के लेवल्स आप लोगों को हर वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताता हूँ। आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये दोनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा चलेगा। मैं आप लोगों की कमेंट की वेट करूंगा। तो देखा आप लोगों ने, ये दोनों स्टॉक में प्राइस वाइज भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम वाइज भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है।
तो इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अभी ये दोनों स्टॉक में से मैंने आप लोगों को एक जो स्टॉक बताया वो होटल इंडस्ट्री से है। मतलब अभी आप लोगों को तो ऐसा लगेगा कि यार अभी विजय जी होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड हम लोगों को स्टॉक्स में क्या देखना चाहिए, या ये इंडस्ट्री की हालत तो अभी खराब है, हम लोग ये इंडस्ट्री में अभी पैसा कैसे लगाए, मुझे तो नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री में से कुछ अच्छा हो सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ, तो इसमें क्या होता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस में एक सेइंग्स है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होने वाला है तो ऑलरेडी वो प्राइस में डिस्काउंटेड हो जाएगा, और अगर आने वाले टाइम में कुछ खराब होने वाला है तो वो न्यूज आने के पहले ऑलरेडी स्टॉक खराब हो जाएगा। अभी आप लोगों ने ये बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है तो आप लोगों को लगेगा कि आज वो स्टॉक चलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक गिर जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप चार्ट को फॉलो करते हो तो सिर्फ चार्ट को ही फॉलो करिए, हमारा भाव जो है वो भगवान होता है, आपको कभी भी भाव गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। अभी ये बात अलग है कि आप उसको कैसे रीड करते हो, अगर आपने उसको अपने बायस मोड में आके रीड किया तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ अलग हो जाएगी। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में और डिटेल में सीखना है और आप लोगों को जानना है कि माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए जब चार्ट आपको कुछ और बोल रहा हो और वो लेवल का जो इंडस्ट्री है वो आप लोगों को कुछ और बोल रहा है, तो आप लोग मेरा अक्टूबर मंथ का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी है, तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।